राजधानी के टीकरापारा पुलिस ने देह व्यापार की सूचना पर रावतपुरा ओम विहार कॉलोनी स्थित एक मकान में दबिश देकर दलाल सहित 5 लड़की और 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके पर से आपत्तिजनक वस्तु सहित 6 रंग मोबाइल भी जब्त किए हैं। बता दें कि टीकरापारा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रावतपुरा ओम विहार कॉलोनी स्थित एक मकान में सेक्स रैकेट का संचालन किया जा रहा है। सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने देखा कि एक कमरे में 5 लड़की व 3 लड़के आपत्तिजनक स्थिति में हैं, जिससे पुलिस ने दलाल दंपत्ति व लड़के लड़कियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दलाल दंपत्ति ने अपना नाम पूनम दक्षिणी व अभिषेक दक्षिणी बताया। वहीं ग्राहक बनकर पहुंचे लड़कों ने अपना नाम आकाश साहू, मोहम्मद नशीम व शीनव सिन्हा बताया है। पुलिस ने कमरे में पड़े आपत्तिजनक सामान व 6 रंग मोबाइल को जब्त कर सभी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में बताया गया कि सेक्स रैकेट में पकड़ी गई लड़कियां रायपुर जिले के आसपास क्षेत्र की हैं। वहीं दलाल दंपत्ति ने बताया कि इंदर सिंह ठाकुर के मकान को किराए में लेके पिछले 6 माह से देह व्यापार का धंधा संचालित कर रहे थे। पुलिस ने मामले में सभी के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। रेड पे 5 लड़कियां, एक दलाल महिला और एक जेंट्स जो पति पत्नी है और साथ में 3 ग्राहक वहाँ उपस्थित हुए और आपत्तिजनक स्थिति में थे और जब उनसे पूछताछ की गई दलाल से तो वो पिछले 6 महीने से संचालित होना बताए और रायपुर के आसपास के लोकल महिलाओं और 10 लड़कियाँ आती थी और पर्सन जो उनके यहाँ जाते थे उनको 3,000 रुपये लिया जाता था, 2,000 से 3,000। उसमें 50% उन लड़कियों को दी जाती थी जिसको काम करते थे, 50% उसको दलाल रखती थी और घटनास्थल पर ही 4 व्यक्ति जो उपस्थित थे और उनसे भी पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम सीआईडी के अधिकारी फर्जी बन के यहाँ पे सर कुछ कैश वगैरह भी बरामद मौके से केस बरामद भी नीचे कर लोगों की दलाल ने किसी प्रकार के पैसा देने के लिए मना कर दी थी हमारे प्रकार। अच्छा, ये सभी लड़के अलग अलग जगह से हैं, 2-3 जो राजीव आस पास के हैं और बाकी रायपुर के हैं। एक लड़की जैतुलपुर की है जो यहाँ के उसी काम के लिए आ रही थी। जो 5 लड़कियाँ मिली हैं जो प्रोस्टिट्यूट का काम कर रही है दलाल और वहाँ पे जो 3 लड़के गए थे उनके खिलाफ पीटा एक्ट की धारा 3, 4, 5 देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत कार्रवाई की जाएगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।